क्लास नाइन्थ के बच्चे एक्सरसाइज 6.2 में पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 किया था। आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में AB और CD दो पैरेलल लाइन हैं। AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। AF लंब है परपेंडिकुलर CD पर। ये जो EF है ये इस CD पर लंब है परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 100% कितने का होगा, 90 का, 90 का, ठीक है। तो आपको AGE निकालना है, AGE यानी ये वाला एंगल, GEF निकालना है, GEF यानी ये वाला एंगल, और FGE निकालना है, FGE यानी ये वाला एंगल, ठीक है। तीन एंगल आपको निकालना है। तो भैया सबसे पहले तो मैं सबसे पहले अगर मैं इस लाइन को, इस परपेंडिकुलर को यहां से हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो आपको जो GED दिया है, GED लेकिन आपको GED मैं हल कर देता हूं, सॉल्व एंगल GED आपको 126 का दिया है। ये देखिए GED, ये पूरा कोण, ये पूरा एंगल आपको 126 का, 126 का दिया है। और अगर ये 126 का है पूरा, तो ये भी 126 का हो जाएगा AGE, क्योंकि ये दोनों रेखाएं, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और दो रेखाएं, दो लाइंस जब पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो इस टाइप से बनने वाले कोण, इस टाइप से बनने वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इसे हम एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो अगर आपका GED 126 है, तो AGE ये भी आपका 126 हो जाएगा। इसका कारण आएगा, इसका रीजन आएगा एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ओके, ठीक है भाई। GED 126 है तो AGE भी 126 होगा, ठीक है। रीजन बताया मैंने आपको, ये रीजन रहा आपका, ठीक है। अब हम लोग इसको वापस से ले लेते हैं, ओके। अब देखिए यहां पर आप जानते हैं कि आपका जो GED है, आपका जो एंगल GED है वो दो कोणों से, दो एंगल से मिलके बना है, जिसमें एक है GEF प्लस और एक है FED, है ना। ये जो GED, ये पूरा एंगल जो है वो GEF यानी ये टुकड़ा और FED यानी इस टुकड़े से मिलकर बना है, जिसमें से GED हम जानते हैं कि 126 है। GEF हमें नहीं मालूम, लेकिन FED लंब होने की वजह से, परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 अंश का, 90 डिग्री का एंगल है। अब यहां से क्या होगा, ये प्लस 90, यहां आपके माइनस 90 हो जाएगा और आपका GEF फाइंड हो जाएगा। 126 में से जब 90 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 36 अंश का आपका GEF आ जाएगा। ये आ गया आपका 36, ठीक है। जब ये पूरा 126 है, ये 90 तो ये 36। अब हम इन दो एंगल्स को देखेंगे, तो एक रेखा पर बनने वाले दो गुणों का योग, एक लाइन पर बनने वाले दो एंगल का सम, या एक ही तरफ के एंगल का सम 180 180 अंश होता है, जिसे लीनियर पेयर रेखीय युग्म कहते हैं। तो पुनः अगेन अगर हम लोग एंगल AGE, देखिए AGE ये और FGE यानी ये,
इन दोनों का सम देखते हैं तो ये 180 डिग्री होगा, इसे हम कहेंगे रेखीय युग्म लीनियर पेयर, ठीक है, जिसमें से AGE अभी अभी 126 का आया है और अब हम FGE यानी AGE जो है 126 से अब हम FGE निकालेंगे। तो FGE निकालने के लिए 180 में से ये प्लस 126 माइनस हो जाएगा तो आपका FGE, ठीक है, 180 में से 126 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 54 चौपन अंश का आ जाएगा। तो आपको निकालना क्या था, AGE, तो AGE 126 का आ गया, GEF तो आपका GEF 36 का आ गया और FGE ये आपका 54 का आ गया। इस टाइप से आपको अपना क्वेश्चन करना है, ओके। क्लास 9th में अब हम लोग इस एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आप करने वाले हो हर क्वेश्चन में एक डायग्राम एक चित्र बना हुआ आएगा। अब यहां देखिए इसमें PQ और ST दो समांतर रेखाएं हैं, दो पैरेलल लाइन। आप बोलेंगे सर कहां पैरेलल है, आप उसे इस तरीके से बढ़ाकर देखिए, वो तो फाइव इंक्रीज करके देखिए, तो ये दोनों रेखाएं दोनों लाइंस पैरेलल होगी समांतर होगी। और जब दो रेखाएं दो लाइंस समांतर होती है पैरेलल तो एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल एक ही और के अंतर कोणों का जो 180 अंश होता है वन साइड इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है और संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो उसने बोला है कि भाई PQ और ST समांतर है पैरेलल और PQR 110 अंश का है 110 का और RST ये वाला 130 अंश का है 130, तो QRS निकालो, QRS ये आपको निकालना है QRS। तो ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें एक रचना हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमारी ओर से, ठीक है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कैसे करोगे, हम जानते हैं कि PQ और ST समांतर है, PQ और ST पैरेलल है, ये हमें दिया है, इट इज योर गिवन ऑप्शन, ठीक है, ये देखो ना PQ और ST समांतर है पैरेलल। अब हम रचना कैसी करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम EF पैरेलल ST खींचेंगे, मतलब ये हमने रचना कर दी, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, कहां से ये देखिए इस टाइप से EF हमने एक रेखा एक EF लाइन खींच दी ST के समांतर ST के पैरेलल है। अब ST PQ के पैरेलल है और EF ST के पैरेलल है, इसका मतलब ये तीनों समांतर हो जाएगी, तीनों पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे द्वारा एक रचना की गई, हमारे अकॉर्डिंग एक कंस्ट्रक्शन किया गया ताकि हमारा आंसर आ सके, ठीक है। अब आंसर कैसे आएगा बताता हूं, ये देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये वाली लाइन थोड़ी देर के लिए यहां से हटा दो, ठीक है, और मान लो कि ऊपर कुछ है ही नहीं, मान लो, ठीक है। अब ये दो रेखाएं ये दो लाइन ये दो समांतर रेखाएं है पैरेलल लाइन, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो तिरछे कोण है तिर्यक कोण है एकांतर कोण है अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं एंगल PQR अगर आपको 110 डिग्री का दिया है तो अतः देन आपका एंगल QRF ये पूरा हो जाएगा 110 का, ध्यान रखना ये पूरा 110 का हो जाएगा। इसका रीजन है रेखीय युग्म लीनियर पेयर, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे यहां से हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए
ST और EF समांतर है, पैरेलल। ये हमने एक रचना की थी, कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है। और अगर दो रेखाएं समांतर हो, टू लाइंस आर पैरेलल, और उसके एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो, तो एक ही ओर के अंतःगुणों का योग वन साइड इंटीरियर एंगल का समझो होता है 180 डिग्री 180 अंश होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके हिसाब से एंगल आर एस टी और एस आर एफ, आर एस टी यानी ये और एस आर एफ यानी ये, इन दोनों का टोटल होगा 180 अंश 180, ठीक है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, एंगल आर एस पी, आर एस पी प्लस एस आर एफ, इन दोनों का टोटल आएगा 180 180। इसे हम कहेंगे एक ही ओर के अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड, ठीक है, जिसमें से आर एस टी, आर एस टी 130 का है, 130 डिग्री का। तो यहां से आप एस आर एफ आसानी से निकाल सकते हो। तो आपका एस आर एफ निकालने के लिए 180 में से 130 130 माइनस करेंगे तो आपका एस आर एफ जो आएगा वो आ जाएगा 50 अंश का, 50 डिग्री का, यानी ये यहाँ वाला आ गया एस आर एफ 50 अंश का, 50 का। वापस से हम लोग हमारे ओरिजिनल डायग्राम की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और अभी अभी हमने ये क्यू आर एफ, ठीक है, एंगल क्यू आर एफ अभी अभी फाइंड किया था, क्यू आर एफ 110 का, 110 का निकाला था ना। ये देखिए क्यू आर एफ ये पूरा एंगल कितने का आया था, 110 का आया था। अभी क्यू आर एफ किन दो एंगल से मिलकर बन रहा, क्यू आर एफ किस किस से मिलकर बन रहा, तो आप देखिए ये जो क्यू आर एफ है वो क्यू आर एस, ठीक है, क्यू आर एफ जो है क्यू आर एस, क्यू आर एस और एस आर एफ, इन दोनों से मिलकर बन रहा है कितने का, 110 का। हम लोगों ने क्यू आर एफ 110 का निकाला है, ठीक है, और एस आर एफ 50 का, 50 का निकाला है। अब क्यू आर एफ अगर आपका 110 का है तो क्यू आर एफ किस किस से मिलकर बन रहा है, क्यू आर एस, क्यू आर एस और एस आर एफ, जिसमें से क्यू आर एस हमें नहीं पता लेकिन एस आर एफ अभी अभी हमने फाइंड किया 50 डिग्री का, इक्वल टू 110। तो आप क्यू आर एस निकालने के लिए 110 में से 50 50 माइनस कर दे तो आपका क्यू आर एस 60 अंश 60 डिग्री का आ जाएगा। मतलब ये 60 का और ये 50 का दोनों मिलकर हो गया 110 का, ये 110 का 110 का, तो ये भी 110 का। इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके।